हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 4.6। 4.6 का क्वेश्चन नंबर ए मैंने आगे करवा दिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी मैंने फर्स्ट नंबर समझा दिया था और करवा भी दिया था, लेकिन अब आज फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट नंबर अप एंड सेकंड नंबर डाउन। तो इसमें क्या करने का है, जो फर्स्ट नंबर अप मीन्स आगे ले जाने का है और सेकंड नंबर डाउन मीन्स उसे कम कर देने का है। तो आगे ले जाने का मीन्स उसे 24 है तो उसका 30 कर देने का है। ऐसी मैंने करके दिखाया, फर्स्ट नंबर अप इक्वल 24 इक्वल 30, सेकंड नंबर डाउन 46 इक्वल 40। तो ये हो गया आपको डाउन, और अब इसको क्या करने का है, मल्टीप्लाई। तो अप किया है तो आया 30 और डाउन किया तो आया 40। तो 30 मल्टीप्लाई 40 करेंगे। इसमें हमें कुछ टेबल ही बोलने का है, 3, 4, 12, वो जितने जीरो है उतने जीरो लगा देने का है। एक 30 का जीरो, एक 40 का जीरो, तो हो गया 12,000, 1200। अब सेकंड 78 मल्टीप्लाई 46, तो फर्स्ट नंबर अप इक्वल 78 का क्या हो जाएगा, 80। सेकंड नंबर डाउन 38 का क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ हमें 80 मल्टीप्लाई 30 करने का है। तो जीरो वाले सम में उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 30, तो 3 8 3 24, तो दो जीरो है वो लगा देने का है। तो 2400 2400। फिर आगे करेंगे 93 मल्टीप्लाई 22, फर्स्ट नंबर अप तो 93 का हो जाएगा 100 एंड सेकंड डाउन तो 22 का हो जाएगा 20। तो 100 मल्टीप्लाई 20 कितना इजी है, तो 100 2 200 और एक जीरो लग जाएगा, तो 2000 हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 32 मल्टीप्लाई 78, तो 32 का आप क्या हो जाएगा, 40 एंड 78 का डाउन क्या हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, 40 मल्टीप्लाई 70, तो 4 7 28 और 0 0, दोनों को जीरो लग जाएगा, हो गया ये सम नंबर 4। अब 45 मल्टीप्लाई 268, तो फर्स्ट नंबर आपका मतलब होता है कि 45 को कहाँ ले जाने का है, 50। 45 का हो गया 50 एंड 268, यहाँ पे 200 को कुछ नहीं करने का है, हमें 68 ही देखने का है। तो 68 का क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 260 यानि 13,000 आप मल्टीप्लाई करके देखने का है और आंसर आ जाएगा। फिर आगे है सम नंबर 6, 45 मल्टीप्लाई 174, ठीक है। तो 45 का अब क्या हो जाएगा, 60 एंड 174 का डाउन क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले बोला ना कि 100 ऐसे ही रखने का है, आपको ओनली 74 देखने का है। तो 74 का क्या हो जाएगा, 70। तो 174 का क्या हो गया, 170। तो यहाँ पे हमें 60 मल्टीप्लाई 170 करने का है, तो आंसर आएगा 10200। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7,
7 में 89 मल्टीप्लाई 64 तो फर्स्ट नंबर अप, अप का 89 का हो जाएगा 19 एंड 64 का डाउन हो जाएगा 16 तो 90 मल्टीप्लाई 60 यहाँ भी हमें टेबल बोलने का है तो 96 का होगा 50 और उसको दो जीरो लग जाएगा 5,400 हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 87 मल्टीप्लाई 304 तो यहाँ पे हमें 87 अप करने का है तो इसका मतलब 87 का क्या कर देने का है 90 एंड 304 का डाउन करने का है। यहाँ पे ओनली हमें 4 ही देखने का है तो 4 डाउन कर देंगे 304 को तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 90 मल्टीप्लाई 300 तो यहाँ भी टेबल ही बोलने का है और जितने जीरो है उतने लगा देने का। यहाँ पे 93 जाएगा 27 और 30 है 20 100 का 300 का 10 90 का तो इसे 30 लगा दिया तो 27,000 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे इसमें हमें डिवाइड करने का है एंड रिमाइंडर इम्पोर्टेंट हमें बताने का फाइंड करने का है। यहाँ पे 4,478,02 ये है तो 4,47,802 डिवाइडेड बाई 96 तो यहाँ मैंने डिवाइड करके भी दिखाया है कि सबसे पहले हम 4 से करेंगे उसको मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे 4,47 को 96 फोर्सा तो आएगा 384 हम माइनस करेंगे तो आंसर नीचे आएगा 638। अब हमें 96 सिक्सा करने का है 96 सिक्सा आएगा 576 वो हम 630 से माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 620 हो गया। फिर हम 62 आएगा ऊपर से आएगा 0 तो क्या होगा 62 का 620 ऐसे ही आगे 63 आता है ऊपर से आया है 8 ठीक है। अब नीचे हम दूसरी बार 6 से माइनस करेंगे तो 576 तो नीचे आया 44 लेकिन ऊपर से हमने 2 लिया है तो क्या हो जाएगा 440 तो फिर से हम 4 से ही उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 384 हमने माइनस किया तो नीचे रिमाइंडर क्या हो आ गया 58 ये हो गया इसका रिमाइंडर। इम्पोर्टेंट किसको बोलते हैं जो ऊपर होता है वो तो 4,664 परसेंट आया और 58 रिमाइंडर। ऐसे आपको ये सब अपनी मैथ की नोट में अच्छे अक्षर से लिख देने का है और होमवर्क में भी करने का है और अपनी मैथ की नोट अपडेट रखने की है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस आगे में फिर आऊँगी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर डिवाइड का 2 नंबर कराऊँगी तो तब तक Thank you.